हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशोक, आप देख रहे हैं ऑटो टेक जोन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे BMW G310 R के बारे में। जी हां, BMW की ये लेटेस्ट ऑफरिंग है अपने 300 सीसी सेगमेंट में, और पहली ये BMW कह सकते हैं कि BMW की ये पहली छोटी बाइक है जो कि एक 300 सीसी सेगमेंट में आ रही है, जो कि स्पेशली केवल BMW ने सिर्फ इंडिया के लिए ही बनाई है और इंडिया को कंसीडर करके ही इस 300 सीसी बाइक के इंजन को डेवलप किया गया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि BMW ने कोलैबोरेशन जो किया था टीवीएस अपाची के साथ किया था। इससे पहले जो आपने देखा होगा टीवीएस अपाची आरआर 310 जो आई थी, वो BMW के इसी इंजन के साथ आई थी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी गाड़ी के बारे में बात करेंगे, BMW G310 R। काफी दिनों से इस गाड़ी के बारे में बात चल रही थी कब BMW इसको लॉन्च करेगा। आप बाकायदा तो 2016 के ऑटोस्पो में इसको दिखाया गया था कि एक छोटा सा इसका व्यू दिखाया जाएगा, इस तरह का इसका प्रोडक्शन वर्जन होगा। तभी से बात होना चालू हो गया था कि कब इसको BMW लॉन्च करेगा, क्या इसका प्राइस होगा, क्या इसमें फीचर्स आएंगे, क्या क्या ऑफरिंग आएंगी। तो फाइनली BMW ने जब इस बाइक को लॉन्च कर दिया तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स इस गाड़ी को मिल रहा है, क्योंकि गाड़ी काफी अच्छी है, गाड़ी में ऑप्शन इतने अच्छे हैं, गाड़ी की लुक अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, इंजन काफी रिफाइंड है। जी हाँ दोस्तों, पर्सनली मैं इस गाड़ी को एक टेस्ट राइड करके आया हूँ, तभी मैं इन सब चीजों को बात कर रहा हूँ और इन सब चीजों के बारे में बोल रहा हूँ। देखा जाए मार्केट में तो 300 सीसी में और भी काफी कंटेंडर है, तो देखते हैं कि इस गाड़ी का मुकाबला किस किस से होगा। जैसे कि आपके सभी को पता है तो इस गाड़ी का मुकाबला इसी के राइवल अपाचे 3RR से होगा, RR 310 से होगा, KTM 390 के साथ होगा, ड्यूक 250 के साथ होगा, मोजो 300 के साथ होगा, और काफी सारे राइवल्स हैं जो आप कह सकते हैं कि डोमिनार भी एक इसका राइवल मान सकते हो। तो इसी तरह से और भी काफी कंटेंडर मार्केट में। ये रहा BMW की, कोई आसान तो नहीं होगी, लेकिन हाँ BMW में के ऊपर काफी लोगों को भरोसा है कि एक रॉयल ब्रांड है, तो काफी अच्छा रिस्पांस भी गाड़ी को मिल रहा है। देखा जाए तो BMW ने इस गाड़ी में ABS का भी ऑफर किया है, जो कि ड्यूल चैनल एयरबैग है। अगर कीमत की बाइक कीमत की बात करी जाए तो गाड़ी की जो G310R की एक्स शोरूम कीमत 3 लाख रुपए है, और ऑन रोड जो प्राइस इसका पड़ रहा है 3,54,000 के आसपास पड़ रहा है। दोस्तों, दिल्ली का प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके साथ ही BMW ने GS भी अब इसी गाड़ी के साथ लॉन्च करा है, GS को भी लॉन्च किया। तो इस GS की बात हम अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे G310R के बारे में। दोस्तों, तो मैं इस वीडियो को पर्सनली बनाने के लिए गया था BMW शोरूम रूटीन्स, जो कि जैसा कि आप सब काफी लोगों को पता भी होगा, जो लाजपत नगर में लोकेटेड है। मैं इस गाड़ी का शूट करने वहीं गया था। दोस्तों, आज हम इसी गाड़ी की बात करते हैं कि क्या क्या गाड़ी में फीचर्स हैं, क्या क्या इसके राइवल्स हैं, क्या क्या इसमें अच्छी बातें हैं, क्या इसके पॉइंट्स हैं, कौन से, आज हम सब इसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, चलिए अपनी वीडियो को आगे चलते हैं और शुरू करते हैं G310 के एक छोटे से रिव्यू के बारे में। तो दोस्तों, आज हम आए हैं BMW मोटर आर्ट के शोरूम में, जो कि लुटिन्स के नाम से है और ये लाजपत नगर में लोकेटेड है। तो सबसे पहले हम गाड़ी की बात करें तो हम सबसे पहले आपको गाड़ी की पूरी स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देते हैं, उसके बाद हम आगे गाड़ी के बारे में बात करते हैं। अगर गाड़ी को देखा जाए तो गाड़ी का जो इंजन है वो 1313 cc का है। 1300 cc के साथ वो 34 PS की पावर आउटपुट जनरेट करती है 9500 RPM पर, और 28 Nm का टॉर्क जनरेट करती है 7500 RPM पर। अगर गाड़ी की टॉप स्पीड के बारे में हम बात करें तो गाड़ी की टॉप स्पीड कंपनी के अकॉर्डिंग दिया गया है 143 km/h, और गाड़ी का जो टोटल वेट है 158.5 kg का दिया गया है। अगर इंजन के बारे में बात करें तो एक वाटर कूल्ड इंजन है, जो कि सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन है 4 वाल्व्स के साथ। और अगर हम गाड़ी के पेट्रोल टैंक के बारे में बात करें तो वो है 11 लीटर का पेट्रोल टैंक दिया गया है, जिसमें 1 लीटर का रिजर्व दिया गया है। अगर हम फ्रंट टायर की बात करें, वो है एक ट्यूबलेस टायर, जो कि 110/70 सेक्शन के साथ आता है, 17 इंच का टायर। अगर हम रियर टायर की बात करें, वो आता है 150/60 सेक्शन के साथ, जो कि रियर भी एक 17 इंच का ही टायर है, जो कि ट्यूबलेस टायर है। अगर हम गाड़ी के कलर ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों, गाड़ी में 3 कलर ऑप्शन कंपनी ने प्रोवाइड करे हैं। पहला कलर ऑप्शन है पर्ल वाइट मेटेलिक, जो कि BMW का एक अपना पेटेंट कलर है, BMW कलर के नाम से वो जाना जाता है। सेकंड कलर की बात हम करें तो वो है कॉस्मिक ब्लैक, आप आगे इस वीडियो में कॉस्मिक ब्लैक को भी देखेंगे। और अगर हम थर्ड कलर की बात करें तो रेसिंग रेड, जो कि अभी आप करंटली गाड़ी में देख रहे हैं, उसको हम कंपनी ने रेसिंग रेड का नाम दिया है। अगर हम पर्ल वाइट मेटेलिक की बात करें तो कंपनी उस कलर के लिए 10,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो BMW का अपना पेटेंट कलर है, इस वजह से BMW उस कलर के लिए 10,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है। अगर हम प्राइस की बात करें तो BMW ने इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस 3 लाख रुपये रखा गया है, और ऑन रोड प्राइस जो है 3,50,000 रुपये है। 3,50,000 रुपये अगर कोई इसमें पर्ल वाइट लेना चाहता हो तो उसको 3,50,000 प्लस 10,000 रुपये उस कलर के लिए एक्स्ट्रा देने होंगे।
तो गाड़ी की कीमत आपको पड़ जाएगी 3,60,000 रुपये। प्लस इस गाड़ी पे ज़्यादा वेटिंग पीरियड नहीं है, अगर हम कंपनी के अकॉर्डिंग हम जानकारी जैसे मैंने वहाँ पे बात करी थी उनके अकॉर्डिंग इस गाड़ी पे 4 से 6 हफ्तों का वेटिंग पीरियड है दोस्तों, अगर आपको इस गाड़ी को लेना चाहिए तो। ये कंपनी की तरफ से एक मैक्सिमम टाइम पीरियड है, आपको गाड़ी इससे पहले भी मिल सकती है अगर कंपनी पर ज़्यादा स्लॉट आ जाते हैं, उनके पास ज़्यादा वॉल्यूम आते हैं तो आपको गाड़ी जल्दी भी मिल सकती है। बट मैक्सिमम टाइम जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है वेटिंग पीरियड, वो 4 से 6 हफ्तों का टाइम प्रोवाइड कर रही है दोस्तों। अगर हम गाड़ी के आगे और फीचर्स के बारे में जाने तो दोस्तों, गाड़ी में ड्यूल चैनल एबीएस दिया गया है एक सेफ्टी के पर्पज़ से। जी हाँ, बीएमडब्ल्यू की गाड़ी है तो आपको सेफ्टी के सारे इसमें ऑप्शंस मिलेंगे। ड्यूल चैनल एबीएस में, फ्रंट टायर में भी इसमें एबीएस में और रियर टायर में भी एबीएस है, इसलिए दोनों टायर एबीएस है तो इसको हम ड्यूल चैनल एबीएस कहते हैं दोस्तों। अगर और फीचर्स की बात करें तो एक फ्यूल इंजेक्शन गाड़ी है, पीछे आप मोनोशॉक दिए मोनोशॉक सस्पेंशन दिया है, और फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो एक यूएसडी फोक्स दिया है जिसको हम कहते हैं अपसाइड डाउन फोक्स, जिससे कि गाड़ी की हैंडलिंग और ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, गाड़ी चलने में काफ़ी एकदम बटर स्मूथ हो जाती है और बम्स का हमें कुछ पता नहीं लगता है। तो यूएसडी फोक्स एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया है कंपनी ने इस गाड़ी में। अगर हम गाड़ी में देखें तो एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता लगती है दोस्तों, जैसे कि आरपीएम मीटर्स ले लीजिए, टाइम ले लीजिए, गियर इंडिकेटर ले लीजिए, टैकोमीटर ले लीजिए, ओडोमीटर ले लीजिए, स्पीड ले लीजिए, गाड़ी की कब सर्विस होनी है, इसी तरह से एबीएस ऑन है नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इस गाड़ी में ज़रूर मिल जाएगी। देखिए जो आप यूएसडी की मैं बात करता हूँ, गोल्ड कलर में गाड़ी में कितनी अच्छे यूएसडी लग रहे हैं, क्योंकि इस तरह के यूएसडी सिर्फ आपको हाई एंड रेसिंग बाइक्स में ही मिलते हैं, जो कि महंगी महंगी बाइक्स होती हैं उन्हीं में इस तरह के गोल्डन कलर के यूएसडी दिए जाते हैं। बट कंपनी ने इस गाड़ी में भी आपको ये यूएसडी प्रोवाइड्स करे हैं। ये देखिए जिस TFT की मैं बात करता, देखिए ये वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और हैंडल पे देखिए छोटा सा BMW का लोगो भी दिया गया है। अगर हम इस गाड़ी की फिट एंड फिनिश की बात करें तो दोस्तों, फिट एंड फिनिश एकदम टॉप नॉच है, जो प्लास्टिक का इसमें कंपनी ने इस्तेमाल किया गया है वो भी एक अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है। आप ये देख कर ये नहीं कहेंगे कि हाँ, एक BMW ने कोई चीप इसमें चीप प्लास्टिक यूज़ करा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम सीट की बात करें तो सीट एकदम पूरी कुशनी है, काफ़ी लंबी सीट है, राइडर के लिए भी काफ़ी कुशनी सीट है और पिलियन राइडर के लिए भी ये काफ़ी कुशनी सीट है, सीट काफ़ी लंबी और एकदम कंफर्टेबल सीट है। फिट एंड फिनिश की बात करते तो दोस्तों, कंपनी ने फिट एंड फिनिश में भी कोई कसर नहीं छोड़ी इस गाड़ी में। जो पेंट हम BMW की हाई एंड गाड़ी में देखते हैं, वही पेंट क्वालिटी, वही पेंट स्कीम इसमें ही इस गाड़ी में कंपनी ने यूज़ करा है, वही फिट एंड फिनिश का लेवल मिलेगा, वही आपको क्वालिटी का लेवल मिलेगा। हर एक एंगल से गाड़ी एकदम प्योर BMW की लगती है, ऐसा नहीं है कि BMW ने एक छोटी गाड़ी उतारी तो इसमें BMW ने ज़्यादा फिट एंड फिनिश के ऊपर काम नहीं किया है, कि या फिर सस्ती कॉस्ट कटिंग के चक्कर में किसी चीज़ को कंपनी ने छोड़ दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए जिस कलर की मैं बात करता था, यह है कॉस्मिक ब्लैक, ये कलर भी काफ़ी अच्छा। लेकिन अगर मैं कलर की बात करूँ तो नंबर वन पे कलर जो रहेगा पर्ल व्हाइट मटेलिक ही रहेगा, और सेकंड पे मैं कहूँगा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग तो सेकंड नंबर पे मैं रेसिंग रेड को रखूँगा, और थर्ड नंबर पे मैं कॉस्मिक ब्लैक को रखूँगा। कंपनी ने इसमें तीन ही कलर अभी तक प्रोवाइड करें हैं। इसमें अगर इंजन की बात करें तो दोस्तों, ये वही इंजन है जो कि आपने इससे पहले TVS अपाची RR 310 में देखा होगा, बट उसमें कुछ इंजीनियरिंग TVS के अपने इंजीनियर्स ने की हुई है, क्योंकि बट ये जो इंजन है इसमें फुल इंजीनियरिंग केवल BMW की है दोस्तों। इसमें अगर हम टायर की बात करें तो कंपनी ने इसमें मैटजेलर के टायर ऑप्शन प्रोवाइड करे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी आपको रेस ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो वेट कंडीशन हो चाहे वो ड्राई कंडीशन हो, तो हर हाल में वो आपको अच्छी ग्रिप देंगे। तो इस वजह से कंपनी ने जो भी इसमें इस्तेमाल करा है, हर एक क्वालिटी प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, हर एक क्वालिटी फीचर इसमें इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, ये सब था आज की इस बाइक के बारे में। तो दोस्तों, ये था आज के वीडियो का एक छोटा सा रिव्यू BMW G310R के बारे में। तो आप मुझे जरूर बताएगा कमेंट करके, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा, चाहे आपको अच्छी लगी या बुरी लगी। तो दोस्तों, आपके कमेंट मेरे लिए काफी यूजफुल होते हैं, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऑटोमोबाइल वर्ल्ड की सभी जानकारी, सभी न्यूज जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचे और सभी इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी आए। तो दोस्तों, अगर तो मैं फिर आपसे कहता हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये सब जानकारी जैसे कि आपके पास पहुंच रही, बाकी सब लोगों के पास भी इसी जानकारी ये सब जानकारी जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं क्लोज करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए, टिल देन कीप स्माइल, कीप सेफ।